हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा, ऊपर कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल डेरिवेटिव डेटा नहीं आए हुए हैं तो अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नाउ निफ्टी और बैंक निफ्टी डेफिनेटली दोनों इंडेक्स के अंदर में अच्छा फॉल देखने को मिला है। एक ट्रेंड जो होता है नॉर्मली कि इंडिया विक्स अगर ऊपर की तरफ जाता है तो निफ्टी और यानी इंडेक्स के अंदर फॉल देखने को मिलता है। आज वैसा नहीं हुआ, आपका इंडिया विक्स 19 या लेट मी से 20 के नीचे आता हुआ नजर आ, लेकिन उसके बावजूद बढ़िया फॉल देखने को मिला है इंडिया विक्स माफ करिए निफ्टी के अंदर में। इनिशियल सपोर्ट था जहाँ पे ओपनिंग हुई थी, वहाँ पे इनिशियल सपोर्ट लेने की कोशिश हुई कहीं पे 14,850 के आसपास में, ऊपर 14,950 के आसपास गए भी, लेकिन फिर जो सेल आया वो सेल 3 दिन के स्टोरी को कंटिन्यू करता हुआ नज़र आया और नीचे की तरफ 14,700 के आसपास में हमने आके क्लोजिंग दे दी है। लास्ट कैंडल जो 14,700 ये हाई बना था 14,800 का और लो बनाया हुआ है 14,699, यानी लास्ट एक कैंडल ने 100 पॉइंट का फॉल दिखाया हुआ है जो 3:15 का कैंडल है। जब भी कभी लास्ट में निफ्ट इंडेक्स जब क्लोजिंग के आसपास होता है और बढ़िया मूव देता है तो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ में सब आगे जाते हैं कि कल मार्केट में गैप अप हो सकता है और कहीं ना कहीं वो देखने को भी मिलता है। ये रिकवरी देखिए यहाँ पे गैप अप, सो अगर फॉल देखने को मिला है तो चांसेस बनता है कि कल के दिन में थोड़ा फॉल देखने को और मिल सकता है निफ्टी के अंदर में। अगर ओवरऑल बात करें ट्रेंड का तो ट्रेंड डेफिनेटली नेगेटिव हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ट्रेंड नेगेटिव हो गया है आपके लिए, अब जो ऊपर की तरफ लेबल बनता है और जहां से डेफिनेटली आपको एक बार सेल देखने को मिल सकता है वो सेल हो सकता है 14,850 के आसपास में। एंड अगर क्रॉस कर लेते हैं 14,850 माफ करें दिस इज 14,950 के आसपास में एक बार सेल देखने को मिलेगा, और अगर 14,950 क्रॉस करते हैं तो 15,040 आपके लिए एक बार रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। 15,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है अब जिसे तोड़ना मुश्किल है फिलहाल के टाइम पे। सो कल के दिन में इन केस अगर किसी भी रीजन की वजह से 14,855 के आसपास में मिले तो भी एक बार शॉर्ट क्रिएट कर लेना चाहिए, और नीचे की तरफ आपका जो टारगेट बनेगा वो पहला टारगेट बनेगा 14,785 का एंड देन दूसरा टारगेट बनेगा 14,709 का। मैंने आई एम एक्सपेक्टिंग कि गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन जब गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है तो कौन से लेवल पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप लेबल्स देखेंगे तो लेबल्स नीचे की तरफ 14,645 जहां से एक बार हम बाउंस बैक कर चुके हैं, और उसके नीचे के लेबल 14,480 एक बार ये लेबल आते हुए आपको चार्ट पे नजर आ सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं कि कौन सा न्यूज है तो न्यूज के अंदर में आज फिलहाल फेड रिजल्ट्स जो आएंगे, फेड की बैठक आज खत्म होने वाली है तो उसके ऊपर में कुछ ना कुछ आपको न्यूज देखने को मिलेगा जिसके चलते कल मार्केट थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है। वो वोलाटिलिटी की वजह से आपको 200-250 पॉइंट्स का मूवमेंट आइदर साइड देखने को मिल सकता है, यानी कल की एक्सपायरी रेंज ब्रेकआउट करने वाली हो सकती है जो आपको नीचे की तरफ 14,500 के लेवल के आसपास में, ऊपर की तरफ आपको 14,900 के लेवल के आसपास ले जा सकती है। यहाँ पे शॉर्ट बर्न करना चाहिए, यहाँ पे एक बार लॉन्ग ट्राई करना है तो लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं हम। लेबल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में, ऊपर के लेबल्स टिकते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। हमने एक ट्रेड लिया था उस ट्रेड में डेफिनेटली ट्रैप हुए हैं हम, नो डाउट इन दैट। सो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो दिस इज नो 15,038 14,950 ये लेवल ऊपर की तरफ स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे की तरफ अगर 14,470 के आसपास में मिले तो एक बार लॉन्ग करने की कोशिश करिए। इंट्राडे में अगर 14,855 या 14,900 का लेवल मिले तो शॉर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप डेली कैंडल पे देखेंगे तो डेफिनेटली ये जो सपोर्ट्स लाइन थे इसको तोड़ दिए हमने, इनफैक्ट आज इस सपोर्ट लाइन को हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे बट उससे रेजिस्टेंस लेके हम नीचे की तरफ गए हुए हैं। सो आने वाले दिनों के अंदर में जो लेवल्स हैं ये 14,475 के आसपास का लेवल एक बार चैलेंज हो सकता है आने वाले दिनों, मतलब शायद कल के दिन में एक बार चैलेंज होता हुआ नजर आ सकता है आप। सो नेगेटिव व्यू बनता है, कंप्लीट नेगेटिव व्यू बन रहा है फिलहाल इंडेक्स के ऊपर में, और बाउंस बैक पहला जो नजर में रहेगा कल के दिन में 14,640 पे एक नजर रहेगी। अगर इसे नहीं रिस्पेक्ट किए तो डेफिनेटली 14,475 के आसपास आते हुए नजर आ सकते हैं। जो कैंडल बना है बिल्कुल भी सही नहीं है फिलहाल इंडेक्स के लिए, निगेटिव कैंडल है, कंप्लीट निगेटिव कैंडल है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ऑप्शन चैन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चैन के अंदर में आपको क्लियर कट नजर आएगा कि कॉल राइटर्स जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली राइटिंग कर रहे हैं। जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेट मी मार्केट फर्स्ट, सो हमने क्लोजिंग कहाँ दी हुई है लेट सी दैट फर्स्ट।
क्लोजिंग हमारी हुई है 14,721 पे, तो 14,700 हमारा एट द मनी होगा. लेट्स टॉक अबाउट एट द मनी फर्स्ट. 14,700 पे 7,695 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में एंड पुट साइड में 18,146 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है. कॉल साइड में अगर हम बात करें तो एग्रेसिव राइटिंग देखने को मिल रही है. लेट्स लुक एट दिस. 14,800 पे आपको 33,000 का, देन उसके बाद में 14,900 पे आपको 20,000 का. इस तरह से आपको अच्छा खासा ओपन इन आज के दिन में काम होते हुए नजर आया. 39,000-36,000 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है. 57,000 जो 15,000 के ऊपर में ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है. अभी तक 15,300 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हुआ करता था, शिफ्ट होके फिलहाल 15,500 है. लेकिन जो एग्रेसिवली यानी नज़दीक के बाद में बात करूं तो 15,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लगभग 57,000 का देखने को मिल रहा है. चांसेस नहीं बनते हैं. पहले 15,000 के ऊपर था कि 15,100, 15,200, 15,300 रेजिस्टेंस है, पहले ये था. अब क्या हो गया है, अब नीचे की तरफ 15,800, 15,900, 15,000 अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद से हम 14,500 भी एक बार तोड़ दें, एक बार चांसेस बनता है. कॉल राइटर्स एक्टिव हैं, पुट राइटर्स ज़्यादा एक्टिव देखने को मिल नहीं रहे हैं. सो 29,622, 21,000 ये कुछ लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है हमें. अनवाइंडिंग ओटीएम में देखने को मिल रही है, क्या पता थोड़ा सा वॉलेटिलिटी की वजह से उन लेवल्स में आते हुए नजर आए 14,500 के आसपास में. तो इन सबसे बचते हुए थोड़ा सा वहाँ अनवाइंडिंग आउट ऑफ द मनी देखने को मिल रही है और कुछ खास एडिशन देखने को नहीं मिल रहा है पुट साइड के अंदर में. जबकि कॉल साइड से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्टिवली कॉल साइड में राइटिंग हो रही है. सो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, मान के चलिए आज जो फेड के रिजल्ट से, फेड के मीटिंग से जो न्यूज़ आता है, अगर वो पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो आपको भारी भरकम एक बार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, भारी भरकम शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है अगर पॉजिटिव न्यूज़ आया. अगर निगेटिव न्यूज़ आता है तो मैदान खुला है 14,475-14,400 के लिए. तो एक्सपेक्टेशन में तो उसी पोजीशन बनाई गई है. सो रेंज क्या हो सकती है, थोड़ा वॉलेटाइल होने के चांसेस डेफिनेटली हैं. 200 पॉइंट का रेंज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है. दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी. आज सिंपल सजेशन और लेट मी से सिंपली जो विच आई एम प्लानिंग टू डू नाउ, जिस तरह से थोड़े इवेंट पैन आउट होकर आ रहे हैं, अगर इंडेक्स के अंदर में काम थोड़ा एक दो दिन या एक हफ्ते के लिए कम कर देंगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी. थोड़ा सा इसे नॉर्मलाइज होने दीजिए, मार्केट को थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा काम करने दीजिए, कोरोना के केसेस को थोड़ा सा कंट्रोल में आने दीजिए, उसके बाद में इंडेक्स में काम करना चालू करिए. तब तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लिया जा सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी. होप वीडियो आपको पसंद आ रहेगा. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा. एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे. होप आने वाला वीक, आने वाले एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं. गुड नाइट.